हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। ये देखिए, ये मेरा हैंगिंग प्लांट है, आपको दिख रहा होगा, और ये काफ़ी बढ़िया रिजल्ट दे रहा है। और ये देखिए, इसमें एक जो ब्रांच आई हुई है, इसी से मैंने कट करके एक वीडियो बनाई थी, कटिंग टू बुशी कंप्लीट अपडेट अबाउट मनी प्लांट। तो इसी से मैंने कटिंग करके लगाई थी और उसका रिज़ल्ट भी मैंने आपको दिखाया था। तो ये देखिए, इस तरीके से इसमें नई ब्रांचेस भी आ रही हैं और काफ़ी बढ़िया देखने में लग रहा है। ये दूसरा मेरा हैंगिंग पॉट है, इसमें भी अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है और ऊपर से बुशी भी हो रहा है और नीचे से एक ब्रांच लटक आई है लंबी सी। तो इसे मैंने अभी ऐसे ही छोड़ दिया है, इसका क्या करना है मैं बाद में सोचूंगी। तो इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है। एक और है रेड कलर के प्लांट में, ग्रीन कलर का जो ये मनी प्लांट है, ये काफ़ी अच्छा लगता है कॉम्बिनेशन देखने में रेड और ग्रीन का। तो आज हम बात करेंगे मनी प्लांट को मैं क्या खाना खिलाती हूँ, कैसे रखती हूँ, इसके बारे में। क्योंकि छोटे से प्लांट में, प्लांटर में काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देता है मेरा मनी प्लांट। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। और क्या क्या मैं खाना खिलाती हूँ अपने मनी प्लांट को, किस तरीके से खिलाती हूँ, किस फॉर्म में खिलाती हूँ, तो ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज़ मेरे वीडियो पर आप बने रहें, और अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए, ये देखिए मेरा हैंगिंग पॉट का ओवरव्यू। इस तरीके से मैंने अपने आंगन में इसे हैंग किया हुआ है, जो काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट भी दे रहा है। तो चलिए, एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल कुकिंग एंड गार्डनिंग विथ मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, अब हम अपना काम शुरू करते हैं। ये एक दूसरे वैरायटी का मनी प्लांट है, जो लश ग्रीन जिसे कहते हैं, उस वैरायटी का ये मनी प्लांट है। ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, और एक है इस तरीके का और एक है सिर्फ उसमें ग्रीन कलर के ही पत्ते आते हैं। तो ये देखिए, ये भी काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में। ये मैंने मॉस स्टिक्स पे लगाया हुआ है, इसे मैंने घर पे ही बनाया है बिना किसी खर्च के। और अब मैं आपको बताऊंगी कि ये देखिए, एक हाथ के साइज का ये पत्ता है, छोटे से हैंगिंग पॉट में ही, वही हैंगिंग पॉट जिसका ओवरव्यू मैंने अभी आपको दिखाया है, उसे ही मैंने नीचे उतार लिया है ताकि मैं उसमें डाल सकूं खाद वगैरह। तो इसीलिए मैंने इसे नीचे उतारा है। तो मैंने सोचा कि चलो आज आप लोगों के साथ भी एक वीडियो शेयर किया जाए, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं उनको काफ़ी दिक्कत होती है समझने में कि कैसे क्या डाला जाए, नहीं डाला जाए अच्छे ग्रोथ के लिए। तो मनी प्लांट की कटिंग कैसे लगाते हैं, ये तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था काफ़ी डिटेल में। और अब मैं बताऊंगी कि मनी प्लांट को खाना कैसे खिलाया जाता है, वो भी बताऊंगी आपको, दिखाऊंगी काफ़ी डिटेल में, तो आपको समझ में आ जाएगा और आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। तो चलिए, इस तरीके से देखिए, ये चाय पत्ती का पानी है लिक्विड फॉर्म में। चाय पत्ती को मैंने बॉयल कर लिया था और उसका पानी छान लिया था, और इस प्याले में चाय पत्ती है, जो मैंने चाय बनाई थी उसी चाय पत्ती को मैंने धो कर कर लिया है। और ये है वाइट कलर का मेरा, जो आप देख रहे हैं प्लेट में, ये वाइट कलर का है अंडे का छिलका, जो मैंने चूर कर लिया है, क्रश कर लिया है, और इस तरीके से इसको मैंने बना लिया है। तो ये बड़ी आसानी से ये चूर हो जाता है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हाथ से भी हो जाता है या किसी चीज़ से भी हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने इसमें तीनों चीज़ें डाल दी, और इसी को फॉलो करते हुए मेरे जितने भी मनी प्लांट्स हैं उन सब में मैं ये डालती हूँ इस तरीके से। तो ये काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देता है। ये महीने में एक बार भी करें, या टाइम नहीं है तो दो महीने में भी एक बार करें, कभी भी आपको टाइम मिले तो आप इसे 15 दिन के गैप में मिनिमम कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा रिज़ल्ट देता है, और पत्तों में इसकी शाइनिंग बने रहती है ये सब डालने से। और अगर आपके पास केले का छिलका है तो उसे सुखाने या लिक्विड फॉर्म में भी करने की ज़रूरत नहीं है। केले के छिलके जो है, आप जब केला खाएं उसी दिन आप उसे कट कर लें,
कैंची के सहारे से और या नाइफ के सहारे से, और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट के मनी प्लांट में डाल दें तो भी आपको वैसा ही रिजल्ट मिलेगा जैसे कि लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के डालने में मिलता है। तो अब बात करते हैं वो जो बिगनर्स होते हैं उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है, जैसे पहले मुझे होती थी, कुछ समझ में नहीं आता था। तो दिग्गजों की बात क्या करनी, दिग्गज तो पानी में भी आग लगा दें, लेकिन बिगनर्स के हालात ऐसे होते हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आता, जैसे कि मुझे समझ में नहीं आता था। तो ये जो वीडियो मेरा फोकस है वो बिगनर्स के लिए है, ताकि बिगनर्स जो रहते हैं काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो इस तरीके से मैंने सोचा कि चलो मैं जब डाल रही हूँ तो उनका एक वीडियो बना करके शेयर किया जाए। अब ये देखिए, ये जो मेरा मनी प्लांट है इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ था, इसी को मैंने कटिंग से लगाई थी, हैंगिंग प्लांट से जो कटिंग ली थी, और इसका एक डिटेल वीडियो भी मैंने बनाया था। तो ये अब काफ़ी हरा भरा और बड़ा हो गया है, इसके पत्ते का साइज आप देख सकते हैं। तो यही खाना मैं सब मनी प्लांट में डाल देती हूँ एक ही बार, जितने भी मेरे पास मनी प्लांट हैं और एक ही बार में डाल देती हूँ, काम ख़त्म हो जाता है एक ही बार में। तो अगर आप बिगनर्स हैं और अभी गार्डनिंग शुरू कर रहे हैं तो महंगे प्लांट्स जो है नर्सरी से मत लाइए, किसी के यहाँ अगर आप गए हैं या किसी के यहाँ हैं तो वहाँ से मांग लीजिए। मनी प्लांट्स बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं, बशर्ते कि उसमें उसको जो आप इंडोर रखें और कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखें, लगा के पानी डाल के उसे छोड़ दें, उसे हिलाए डुलाए नहीं, और वाटरिंग का थोड़ा ख्याल रखें, इसे पानी पसंद है, इसमें रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी आप डाल दें और इसको हिलाए नहीं तो ये 100% कटिंग से ग्रो कर जाता है। तो इस तरीके से मैंने छोटे से कटिंग से इस तरीके का प्लांट बना लिया इसे जो। तो आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।